तेनाली और उसकी बिल्ली। एक बार की बात है, विजयनगर राज्य चूहों के आतंक से परेशान था। हर जगह चूहे थे, अलमारी, रसोई, बेडरूम, वे हर चीज कुतरते थे, किताबें, लकड़ी, कागज, खाना और कपड़े। स्वयं राजा कृष्ण देव राय इन छोटे जीवों से तंग आ चुके थे। हर जगह चूहों को देखकर, यहाँ तक कि अपने भोजन में भी, राजा ने तय किया कि इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि हर घर में मजबूत और स्वस्थ बिल्लियाँ पाली जाए। तो हर घर में बिल्लियाँ आनी शुरू हो गई। जितनी ज्यादा बिल्लियाँ होती गई, राज्य में उतने ही कम चूहे दिखने लगे। राजा को गर्व था कि उन्होंने चूहों की समस्या हल कर दी थी। लेकिन कुछ दिन बाद लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि उनकी बिल्लियाँ बहुत सारा दूध पी रही है। तब राजा ने हर घर में गायें भेंट कर दी ताकि बिल्लियों के लिए पर्याप्त दूध हो सके। लेकिन तेनालीराम, जो राजा कृष्ण राय के दरबार में सबसे बुद्धिमान मंत्री थे, ने सोचा कि सारी बिल्लियों पर दूध बर्बाद करना फिजूल खर्ची है। हालांकि उन्होंने भी राजा का सम्मान करते हुए एक बिल्ली पाली। हर सुबह तेनाली अपनी बिल्ली के लिए उबला हुआ दूध एक कटोरी में डालते। एक दिन जब तेनाली अपनी बिल्ली के लिए दूध डाल रहे थे, तो बिल्ली जल्दी से दूध पीने आई, लेकिन उसका जीभ जल गया और वह भाग गई। उस दिन के बाद से तेनालीराम ने कुछ अजीब देखा। उनकी बिल्ली हर बार दूध दिए जाने पर भाग जाती। अंततः बुद्धिमान तेनाली ने सोचा कि दूध बर्बाद करने से बेहतर है कि वह खुद ही उसे पी ले। समय बीतता गया और उनकी बिल्ली कमजोर और दुबली हो गई। एक दिन राजा ने सभी को दरबार में अपनी बिल्लियां लाने का आदेश दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि बिल्लियों की अच्छी तरह खिलाया जा रहा है या नहीं, राजा ने आदेश दिया। वह सबसे स्वस्थ बिल्ली के मालिक को इनाम देना चाहते थे और उन लोगों को सजा देना चाहते थे जो अपनी बिल्लियों को अच्छे से नहीं खिला रहे थे। जब सभी दरबार में एकत्र हुए, तो राजा यह देखकर चकित और निराश हो गए कि तेनालीराम की बिल्ली सबसे कमजोर और दुबली थी। तेनाली, क्या तुम अपनी बिल्ली को सही से खिला नहीं रहे हो, राजा ने पूछा। महाराज, लगता है इस बिल्ली को दूध कुछ खास पसंद नहीं है, राजा को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यह असंभव था कि कोई बिल्ली दूध से भाग सकती है। महाराज, तेनाली ने कहा, यदि आप चाहें तो खुद बिल्ली को दूध पिला सकते हैं और देख सकते हैं। तो दूध का एक कटोरा लाया गया और राजा को आश्चर्य हुआ जब बिल्ली ने दूध देखते ही भाग खड़ी हुई। तुमने क्या किया तेनाली, जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिससे इस बेचारी बिल्ली को दूध से नफरत हो गई, राजा ने गुस्से में कहा। महाराज, पहली बार जब मैंने इसे दूध दिया तो यह गर्म था और मुझे ध्यान नहीं आया कि इससे इसकी जीभ जल जाएगी। वाकई ऐसा हुआ, तब से इसने दूध पीना छोड़ दिया और अब यह चूहे पकड़ने में बहुत अच्छी हो गई है, तेनाली ने हंसते हुए कहा। आखिरकार बिल्लियों को पालने का मुख्य उद्देश्य यही था, है ना, बुद्धिमान तेनाली ने याद दिलाया। अंत में राजा तेनाली की बात समझ गए और उन्हें और उनकी भागती बिल्ली को जाने दिया। धन्यवाद।